नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्तकालीन गुफा या गुहा स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुप्त काल में किस प्रकार से गुफाओं का निर्माण हुआ और गुफाओं में किस प्रकार के चित्र आदि निर्मित हुए थे। तो देखिए, गुप्त काल में केवल वास्तुकला ही नहीं अपितु गुहा यानी गुफाओं के अंदर भी कई देवी देवताओं के चित्र आदि अंकित किए गए थे। गुफाओं में विशेष तौर से एक तो ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए गुफाओं के चित्र और दूसरे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। गुप्त काल के शासकों ने गुफाओं में भित्ति चित्र बना करके अपनी चित्रकला को दर्शित किया था और इसके बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव जिनका नाम था वीरसेन, विदेश सचिव वीरसेन का उदयगिरी लेख, कौन सा लेख? उदयगिरी लेख से पता चलता है कि उदयगिरी की पहाड़ियों में शिव धर्म की गुफा एवं भगवान वराह गुफा यानी भगवान विष्णु के वराह अवतार के सम्मान के लिए इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। अब शिव धर्म और वराह यानी भगवान विष्णु, शिव और वैष्णव यानी ब्राह्मण धर्म और इस तरह से बौद्ध गुफा यानी महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जुड़े हुए चित्रों को अंकित जिस गुफा में किया गया था वो बौद्ध गुफा, ऐसे कई चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए, गुफा चित्र की अपन बात करते हैं तो उस समय में विभिन्न शासकों ने अपनी रचनात्मक क्षमता को देवी देवताओं के प्रति सम्मान के भाव को दर्शाने के लिए इस तरह कई गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो अपन देख सकते हैं जैसे वीरसेन के उदयगिरी लेख से पता चलता है कि उदयगिरी की पहाड़ियों में शिव धर्म की गुफा और वैष्णव धर्म की गुफा में वराह गुफा देखने को मिलती है। इसका निर्माण गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। भगवान विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे 10 अवतार हुए, ऐसा वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है। पर बताते हैं कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया, राक्षस पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर पाताल लोक तक ले गए और उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। अर्थात शरीर तो मानव का लेकिन उसका मस्तिष्क और सिर का भाग है वो वराह अर्थात सुअर का है और इस भगवान विष्णु के अवतार ने राक्षसों का संहार किया और पृथ्वी को अपने मुंह पर कान पर रखकर वापस अपने अक्ष पर छोड़ा था। इस वराह के भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां प्राप्त
यहां जितनी भी जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में उनके गर्भगृह यानी गुफाओं में जहां देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं वे गर्भगृह है, वे चौकोर हैं और उनके प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं के चित्र है एवं द्वारपालों की मूर्तियां हैं। देवी देवताओं के चित्र बनाए हुए हैं, द्वारपालों की मूर्तियां हैं और गर्भगृह के सामने मंडप और बरामदे जो गर्भगृह बना हुआ है उसके सामने क्या बना हुआ है, मंडप और बरामदे अर्थात जिसमें देवी देवताओं के मंदिर होने का दृश्य बताया गया है, जहाँ प्रवेश द्वार है, देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं और इसके अलावा गर्भगृह के सामने मंडप और बरामदे भी बने हुए हैं। अब देखिए इन गुफाओं में अपन देखते हैं तो अजंता व बाद की गुफाएं गुप्तकालीन महत्वपूर्ण गुफाएं मानी जाती हैं। अजंता की गुफा का निर्माण तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से सातवीं ईस्वी तक माना जाता है। कौन सी गुफा का? अजंता की गुफा एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। गुप्त काल में अजंता की गुफा में बौद्ध गुफाएं हैं, वो कुल कितनी मिली थी? 29। कितनी मिली थी? 29। और उनमें से तीन गुफाएं हैं वो गुप्त काल की मानी जाती हैं। अजंता की 29 गुफाओं में से तीन गुफाएं हैं वो किसके काल की मानी जाती हैं? गुप्त काल की मानी जाती हैं। कौन कौन सी? गुप्त काल में जो अजंता की गुफाओं में से गुप्तकालीन गुफा में 16वीं 17वीं व 19वीं गुफा, याद रखना 16वीं 17वीं और 19वीं गुफा। इसके अलावा इन सभी गुफाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए चित्र निर्मित होते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, जन्म लेना, जन्म के बाद महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति आदि सभी के चित्र वो दर्शाए गए हैं। इन गुफाओं के जो स्तूप है, गुफाओं के अंदर जो स्तूपों का निर्माण किया गया था उन स्तूपों पर हर्मिका एवं छत्र मिलते हैं। हर्मिका, छत्र, मस्तूप ये आधुनिक स्तूपों एक सुदृढ़ व भव्य स्तूपों की जानकारी प्रदान करते हैं। अब इन गुफाओं में कौन कौन से चित्र थे तो अपन देखते हैं। इन गुफाओं में महात्मा बुद्ध के चित्र, बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिन्हें हम जातक कथा के नाम से जानते हैं, इसके अलावा यक्ष, यक्षिणियों व नाग की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। कौन सी गुफा से? गुप्तकालीन गुफाओं से, यानी जो अजंता की 16वीं 17वीं और 19वीं गुफाएं, इनसे इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी अपन समझ सकते हैं कि गुप्त काल में गुफाओं का भी विशेष विकास है वो हुआ था। और इन गुफाओं में अपने जैसा पढ़ा है कि अजंता की 29 गुफाओं में से तीन गुफाएं हैं वो कौन से काल की मानी जाती हैं? गुप्त काल की। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं गुप्त कालीन मूर्ति का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है पर महत्वपूर्ण भी है। गुप्त काल में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। इन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में
देखने को मिले हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण महात्मा बुद्ध से जुड़ी मूर्तियों में मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। ये ऐसी भव्य, खूबसूरत और आदमकद मूर्तियां हैं कि इनकी यूरोपीय विद्वानों ने भी प्रशंसा की, और ये मूर्तियां गुप्तकालीन मूर्ति कला को दर्शाते हैं। वर्तमान में ये मूर्तियां बंकिमगम संग्रहालय ब्रिटेन में हमको स्थित है। बंकिमगम संग्रहालय कहाँ पर आया हुआ है? ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अब अगर अपन आगे देखते हैं तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में, भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति, भगवान विष्णु की कौन सी? चतुर्भुजी मूर्ति, जिसके सिर पर मुकुट, गले में हार और कान में कुंडल दर्शाए गए हैं। याद रखना है ना, स्कंदगुप्त के काल में, गुप्त शासक स्कंदगुप्त था, उनके काल में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति जिसके सिर पर क्या है? मुकुट। भगवान विष्णु की चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाली मूर्ति, जिसके सिर पर मुकुट है, गले में हार है और कानों में क्या डाले हुए हैं? कुंडल। ठीक है, इसी तरह से देवगढ़ के दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में उसके बारे में भी पढ़ा था कि देवगढ़ में दशावतार मंदिर, और दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु की शेष शैया यानी जिसमें भगवान विष्णु है, वे शेषनाग की शैया बना करके उसके ऊपर है वो सो रहे हैं। ये मूर्ति है वो वहां पर स्थित है, अर्थात देवगढ़ के दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु की शेष शैया मूर्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा उदयगिरी गुहा में भगवान वराह की विशाल मूर्ति पृथ्वी को दांतों पर उठाए दिखाया गया है। तो हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि भगवान वराह भगवान विष्णु के एक अवतार में से हैं, और इन्होंने पृथ्वी को राक्षसों से बचाने के लिए उदयगिरी गुहा में जो भगवान ने पृथ्वी को बचाया था उसकी विशाल मूर्ति है वो स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं तो भगवान गणेश शिव जी के पुत्र, स्कंद भगवान, कार्तिकेय गणेश जी के बड़े भाई, माँ दुर्गा, गंगा यमुना की मूर्तियाँ, भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ, और उन सब मूर्तियों में वराह अवतार की मूर्तियाँ आदि कई में प्राप्त होती हैं, जो गुप्त काल की मूर्ति कला की श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल वास्तव में ही सही मायने में स्वर्ण काल था, क्योंकि उस समय की स्थापत्य कला, वास्तुकला, उस समय का विज्ञान, उस समय की मूर्तियां, गुफाओं के चित्र आदि भव्य रूप में देखने को मिलते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियों का मतलब होता है मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां। प्राचीन काल में अधिकांश मूर्तियां मिट्टी से बनाई हुई होती थी। कुंभकार वर्ग के लोग छोटी छोटी मूर्तियां चिकनी वसूलों बना करके लाते थे जो मिट्टी की बनी होती थी, इस कारण उन्हें मृण मूर्तियां कहा जाता है। धार्मिक प्रकार की ये मृण मूर्तियां मिलती थी, विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित वो होती थी, जैसे भगवान विष्णु की, कार्तिकेय की, माँ दुर्गा की, गंगा यमुना की, गणेश की आदि की मूर्तियां पहाड़पुर, कौशाम्बी, मथुरा
अहिछत्र श्रावस्ती व राजघाट से प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों से ये पता लगता है कि गुप्त काल में केवल पाषाण मूर्ति ही नहीं अपितु मृण मूर्तियों का भी विकास था, मृण मूर्तियां भी चरम उत्कर्ष पर थी। इसी तरह से अहिछत्र से गंगा यमुना व पार्वती के सिर की मृण मूर्तियां मिली हैं, वहीं श्रावस्ती से एक एक नर नारी की मूर्तियां भी मिली हैं। मतलब अहिछत्र वर्तमान में नागौर, यहां से गंगा यमुना की मूर्ति, माँ पार्वती के सिर की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उस समय की मृण मूर्ति कला को दर्शाता है। अब देखिए, हम देखते हैं गुप्तकालीन चित्रकला। हमने गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में पहले ही पढ़ा था कि अजंता की 16वीं 17वीं और 19वीं गुफा गुप्त काल की, और इनमें उस समय में उनके द्वार व पाषाण की अलंकृतता के बारे में पढ़ा था। अब इनके गुफाओं के अंदर भित्ति चित्र, गुफा चित्र है, उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, गुप्त काल में अजंता व बाग में बड़ी संख्या में गुफा चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और बाघ की गुफा है वो मध्य प्रदेश में। अजंता की जो गुफा है, इसका आकार आकृति घोड़े की नाल के समान है। 1983 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में अजंता की गुफा को सम्मिलित किया गया था। 16वीं 17वीं और 19वीं जो गुफा है, ये गुप्त काल की गुफा मानी जाती है, और इन तीन गुफाओं में जो भित्ति चित्र है, वे अपने आप में आदमकद चित्रों की भांति माने जाते हैं। 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र है मरणासन राजकुमारी का चित्र। फर्ग्यूसन जैसे विदेशी विद्वानों ने इस चित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। इसमें एक राजकुमारी अपने पति के वियोग में एक मृत्यु के समीप आ पहुंची है, और उस मरणासन की मुद्रा में उसके आसपास दास दासियां जो जिस रूप में भित्ति चित्र में दर्शाए गए हैं, उसे देखकर हमें बहुत कुछ उस समय की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी भाव भंगिमा युक्त चित्र है वो देखकर विदेशी विद्वान भी प्रशंसा करने से नहीं चुके थे। इसी तरह से गुप्त काल की 17वीं जो गुफा है, वह इन चित्रों की चित्रशाला कहलाती है, यानी उसमें बहुत अच्छे अच्छे कई चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध के जन्म से महाविनिष्क्रमण, जिसका मतलब होता है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग परिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु से जुड़े हुए बोधिसत्व व जातक कथाओं से जुड़े हुए चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 17वीं गुफा में माँ और शिशु का चित्र आकर्षक माना जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को उन्हें सौंपते हुए जो दिखाया गया है, वात्सल्य प्रेम का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। ये गुफा चित्र अपने आप में उस समय में बौद्ध जातकों की कथाओं को दर्शित करते हैं। इसके अलावा अजंता की 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र भी अत्यधिक प्राचीन। बाघ के गुफा चित्र, बाघ की गुफा आई हुई है मध्य प्रदेश में, और बाघ की गुफाओं में भी कई प्रकार के
चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इनमें चौथी और पांचवी जो गुफा है, बाघ की गुफाओं में चौथी और पांचवी गुफा है, उनके चित्र सबसे सुरक्षित और प्रसिद्ध देखे गए हैं। इन चित्रों में संगीत युक्त नृत्य व अभिनय जो दर्शाया गया है वो अपने आप में इनकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसके अलावा बाघ की गुफा नंबर दो, जिसे पांडवों की गुफा कहते हैं, बाघ की गुफा नंबर तीन, जिसे हाथियों की गुफा कहते हैं, और गुफा नंबर चार व पांच, जिसके भित्ति चित्र सबसे अधिक सुरक्षित व प्रसिद्ध है, उसे चित्रों का रंग महल भी कहा जाता है। इस तरह अन्य अपन देखें तो गुप्त काल में शतरंज खेल की शुरुआत हुई, पारे का भी आविष्कार है वो गुप्त काल में हुआ था। इन तमाम तथ्यों के आधार पर हम ये समझ चुके हैं कि गुप्त काल निसंदेह प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता था। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, गुम्फा या गुफा चित्र, भित्ति चित्र आदि तमाम तरीके से विकास हुआ था। अतः गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता था। थैंक यू।